नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अंशु क्रिएटिव। हमारे और आपके चैनल पे हम दोनों का स्वागत। दोस्तों आज हम बात करने के लिए प्रॉपरली टाइल के बारे में। दोस्तों टाइल का यूजेस जो है, आप फ्लोरिंग में भी करते हो, दीवार पे भी करते हो, और फ्लोरिंग में भी आपके चाहे डाइनिंग हॉल हो, लिविंग हॉल हो, बेडरूम हो, आप हर जगह करते हो। तो ऐसे में टाइल के साइजेस अलग अलग आते हैं, और किस साइज का टाइल कहाँ लगाना चाहिए और क्यों लगाना चाहिए, ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि दोस्तों साइजेस जो टाइल के आते हैं वो बहुत ही अलग अलग आते हैं, बहुत ही अलग अलग आते हैं। तो ये टाइल के लगते भी अलग अलग जगह पे हैं। अगर सभी साइज के टाइल सभी जगह लग सकते हैं तो दोस्तों जो टाइल की कंपनियां हैं वो अलग अलग साइज के टाइल क्यों निकालती हैं। तो इसलिए दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए, कि ये जो 2x2 की टाइल, 1x1 की टाइल, बाथरूम में अलग टाइल और ये डाइनिंग हॉल में, बेडरूम में, लिविंग रूम में ये टाइलें होती हैं, दीवार पर की टाइलें होती हैं, अलग अलग साइजेस की टाइलें क्यों लगती हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और क्या साइजेस होना चाहिए, इनका क्या साइज होना चाहिए, वो भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए। क्योंकि दोस्तों अगर आपको सही साइज नहीं पता है, और दोस्तों आपने सही साइज अपने सही जगह पर नहीं लगाया, मतलब कि हॉल में या फिर डाइनिंग रूम में या बेडरूम में या लिविंग रूम में या बाथरूम में, तो ये टाइलों के कारण आपका घर का लुक भी खराब हो सकता है, प्लस ये टाइलें आपके जल्दी जल्दी टूट सकती हैं और खराब हो सकती हैं और झड़ सकती हैं, दीवारों पर लगाई दीवार टाइल झड़ सकती हैं। तो ये सब कुछ मैटर करता है टाइल के साइज के ऊपर, इसलिए एग्जैक्टली सही साइज आपके टाइल का होना बहुत जरूरी है। और क्या कारण है वो सब कुछ आपको आज की वीडियो में मिलेगा। बस थोड़ी सी वीडियो है, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है दोस्तों, पूरी वीडियो जरूर देखें। पूरी वीडियो देखने के बाद आपको नॉलेज जो है पूरा मिलेगा इस वीडियो में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, जो भी हमारे चैनल पे नए हैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, नीचे लाल का बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों एक रुपए भी कॉस्ट नहीं लगता, फटाफट जाइए सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, आपका हर एक सब्सक्रिप्शन, आपका हर एक कमेंट, हर एक लाइक जो है हमारा मोटिवेशन बहुत ज्यादा बढ़ाता है। सब्सक्राइब करने का नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल ना भूलें। उसका बेनिफिट क्या होगा, इस तरह की जो भी नॉलेजफुल वीडियो होगी घर में जुड़ी हुई, और घर से रिलेटेड हम बहुत सारी वीडियो डालते हैं नॉलेजफुल, जो कि आपके काम आने, रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा काम आने वाली वीडियोस है। तो अगर सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बेल दबाएंगे, तो उन सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा, फटाक से हमारे वीडियोस आप देख सकते हैं। अब सीधा मैं वीडियो पे आता हूं पॉइंट पे। आपने अक्सर देखा होगा दोस्तों हॉल की, लिविंग हॉल हो, चाहे आपका बेडरूम हो, या इस तरह के जो भी बड़ा एरिया है, बड़ा सरफेस वाला एरिया है, वहां पे आपने अक्सर देखा होगा कि 2x2 की, मतलब 24 इंची बाई 24 इंची की टाइलें लगती हैं। अब दोस्तों ये 24 इंची बाई 24 इंची की टाइलें क्यों लगती हैं वहां पे, ये टाइलें अच्छी हो, ये साइजें अच्छे होते हैं बेडरूम के लिए, लिविंग रूम के लिए, चाहे डाइनिंग रूम के लिए, तो यहाँ पे आप ये टाइप जो ये 2x2 की टाइलें ये यूज कर सकते हैं। क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये बड़ी, एक तो बड़ी टाइलें होती हैं, दिखने में आपको ये काफी अच्छी लगती है। काफी बार आपने देखा होगा टाइल टू टाइल ज्वाइंट जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा दिखाई पड़ते हैं अगर आप छोटी टाइलें यूज करोगे, तो छोटी टाइलें अगर यूज करते हो तो ज्वाइंट ज्यादा दिखाई देते हैं और दिखने में वो भद्दा लगता है, दिखने में भद्दा लगता है। तो ऐसे में जो आपका डाइनिंग हॉल है, बेडरूम है, या फिर जो भी इस तरह का बड़ा सरफेस वाला एरिया है, वहां पे आपने बड़ी टाइल लगाई तो वहां पे जॉइंट्स कम हो जाते हैं, दिखने में बड़ा क्लासी लगता है। प्लस दोस्तों दूसरा रीजन इसमें यह आ जाता है कि अगर आपने बड़ी टाइलें लगाई हैं तो इसमें अगर नुकसान होता है टाइल का, टूटता है, तो ये टाइल एक बार में आपको बड़ा साइज आपको चेंज करना पड़ता है। बड़ी साइजों को, टाइलों को मेंटेन भी उस हिसाब से करना पड़ता है दोस्तों, बड़ी टाइलों को। इसलिए दोस्तों यहाँ इन डाइनिंग हॉल्स में, इन सब जगहों पर बड़ी टाइलें यूज की जाती हैं, क्योंकि दोस्तों बेडरूम में, चाहे आप डाइनिंग रूम में, चाहे आप हॉल में, जो सोफा हो गया, बेडरूम बेड हो गया या टेबल हो गया, ये आप लगाते हो, तो ये आपका जो है ये साल भर में शायद एक या दो बार ही जगह चेंज कर हुई होती है इनकी, तो और ज्यादा उठा पटक आपके फर्श पे नहीं होता है। ज्यादा उठा पटक होगा तो कोई भी टाइलें होंगी दोस्तों वो टूटेंगी और खराब होंगी, और खराब होंगी तो फिर वो उतना ही आपका लुक घर का खराब कर देंगी। इसलिए दोस्तों ये बड़े टाइलें लगाई जाती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे उठा पटक कम होता है, प्लस ये एक घर को एक क्लासी, एक अच्छा लुक देता है, दिखने में एक बड़ा ही अच्छा लुक देता है, एक ग्लास फिनिश देता है, जिस कारण से घर हमारा काफी अच्छा लगता है दिखने में, और इस कारण से ये बड़ी टाइलें जो है खासकर ये हॉल जैसे एरिया में यूज की जाती है। जहां भी दोस्तों हैवी चीजें, आप ज्यादा उठा पटक वाली चीजें यूज होंगी, वहां पर दोस्तों टाइलें जितना कम हो सके वहां यूज कम करें, क्योंकि दोस्तों टाइल कितनी भी मजबूत आ जाए अगर इसके ऊपर उठा पटक होगा, ज्यादा ज्यादा भारी भारी सामान इसके ऊपर उठापटक की जाएंगी, तो ये टाइलें टूटेंगी, खराब होंगी, और आपका घर का, अगर घर के फर्श को, चाहे दीवार हो, लुक आपका खराब करेंगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बाथरूम की।
बाथरूम में या फिर जो आपका किचन है उसके फ्लोर पे आपने देखा होगा छोटी टाइल लगाई जाती है, यहाँ पे 12x12 की, मतलब 1x1 की टाइल लगाई जाती है, 1x1 फुट की या फिर 12x12 इंच की टाइल लगाई जाती है। और यहाँ पे बाथरूम में जो 12x12 की जो टाइलें हैं वो क्यों यूज की जाती है, इसका भी दोस्तों सिंपल कारण, जैसे कि मैंने आपको बेडरूम से समझाया, हॉल से समझाया, उसे ही वही कारण से यहाँ पे आ जाता है। बाथरूम में दोस्तों आपका पानी की बाल्टियां यूज होती हैं, जिसमें पानी की बाल्टियां उठाते हैं रखते हैं, और ये हैवी चीजें बार बार उठाई नहीं और रखनी रखी जाती है, जिस कारण से टाइलें टूटने का बहुत ज्यादा डर रहता है। और इस कारण से ये यहाँ पे कोशिश की जाती है छोटी टाइल लगाई जाए, 1x1 की टाइल लगाई जाए। मैक्सिमम आपने बाथरूम में देखा होगा कि 1x1 की टाइलें ही यूज करते हैं, और ये सही भी है, क्योंकि दोस्तों अगर छोटी टाइलें टूटती है तो इनको ना आपको रिजर्व करके रखने में आराम से रख सकते हो, कि छोटी टाइल है आप उसको रख सकते हो और आराम से दोबारा से चेंज कर सकते हो, और चेंज कर सकते हो तो फटाक से आप इसको टाइलों को यूज कर सकते हो। और वैसे बाथरूम की टाइलें जो होती हैं थोड़ी मजबूत टाइलें होती है, थोड़ी खुरदरी टाइलें होती है, थोड़ी मजबूत टाइलें होती हैं, और इसलिए भी दोस्तों ये साइजेस जो होते हैं ये मैटर करते हैं। यहाँ पे आपका जो छोटी टाइलें हैं इसमें आपके जॉइंट्स ज्यादा होते हैं, मगर छोटी टाइलों को चेंज करना ज्यादा आसान होता है, ये बात भी है, मगर ये लुक को थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंस करते हैं, मगर बाथरूम में चल जाता है आपके हॉल या बेडरूम के अकॉर्डिंग। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जब भी आप टाइलें यूज कर रहे हैं बाथरूम में तो छोटी टाइलें ही यूज करें, क्योंकि दोस्तों हाँ मैक्सिमम आपका जो ये बाल्टी हो गया, बाल्टी उठा के रखना, भारी 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 पानी से भरी हुई बाल्टियां, कपड़ा धो रहे हो उसकी बाल्टियां, बहुत बार वॉशिंग मशीन हम इधर उधर करते हैं बाथरूम में, तो ये सब कुछ जो होता है इस कारण से डिपेंड करता है कि आपका बाथरूम की टाइलें जो छोटी होती है। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जाता है कि वॉल पे, बहुत सारे लोग आजकल दीवारों पे अपनी टाइलें यूज करते हैं, और दीवारों की टाइलों का साइज क्या होता है दोस्तों, दीवारों की टाइलों का दोस्तों मैक्सिमम साइज जो होता है दोस्तों आपका 8x12 का, यही साइज होता है दोस्तों, और इसी साइज की टाइलें आपको यूज करनी चाहिए दीवारों के लिए। ऐसा क्यों दोस्तों मैं कह रहा हूं कि आपको 8x12 की, अगर दोस्तों ऐसा नहीं है कि दीवारों के लिए बड़ी टाइलें नहीं आती, छोटी टाइलें नहीं आती है, अगर आपने इससे बड़ी टाइलें यूज करी तो दोस्तों इसका आपको दिक्कत हो सकता है, अगर आप तब आपका सीमेंट से डस्ट से ये नहीं चिपकेगा, चिपक भी जाएगा तो आने वाले कुछ ही टाइम के बाद ये टाइलें आपके झड़ के गिरने लग जाएंगी, टूटने लग जाएंगी, और ऐसे में आपका दीवार का लुक बहुत ज्यादा खराब होगा धीरे धीरे। और ये इसलिए दोस्तों बड़ी टाइलें बहुत कम कोशिश की जाती है कि दीवारों पर लगाई जाए, और वहां पर आपका मैक्सिममली यूज किया जाता है 8x12, मतलब 8x12 इंची का आपको टाइलें यूज किया जाता है, कुछ इसी साइज की टाइल होती है और इसी साइज की टाइल को यूज किया जाता है मैक्सिमम कि आपका दीवार पर लगाया जाए। बहुत लोग कहेंगे कि बड़ी टाइलें भी लगा सकते हैं, बहुत टाइल लाइट लगाते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि नहीं लगाते हैं, लगाते हैं, मगर वो कुछ टाइम के बाद चेंज जो करते हैं कंटिन्यूटी वो कलर करते हैं, और जो लगाते हैं परमानेंट सॉल्यूशन के लिए इसको, तो वो यहाँ पे इसका जुगाड़ करते हैं, तब वो आपका सीमेंट डस्ट से सिर्फ टाइलें नहीं चिपकेंगी, तब यहाँ पे आपका स्क्रू का जुगाड़ किया जाता है, इसमें आपको ड्रिल करके स्क्रू करते हैं और फिर उन टाइलों को चिपकाते हैं, जिस कारण से वो टाइलें लंबी चले। नहीं तो दोस्तों अगर आप बड़ी टाइलें अगर दीवार पे वॉल पे लगाओगे तो वो झड़के गिरेंगी और फिर दिक्कत देंगी। दोस्तों ऐसे ही ये कुछ साइजेस थे जो मैंने आपको बताए, जो आप अपने घर वाले टाइम पे यूज कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइजेस हैं, जब भी आप यूज करते हो अपने घर वाले टाइम पे दीवार पे लगाने, चाहे ये दीवार जो मैंने लगाया इंटीरियर पे, ये जो टाइलों का साइज बताया मैंने खासकर दीवार के लिए, काफी आप सबसे बार लोग समझेंगे कि इंटीरियर के लिए बताया कि एक्सटीरियर के लिए बताया, इंटीरियर के लिए हो चाहे एक्सटीरियर के लिए हो, साइजेस दोस्तों मैक्सिमम करके दीवार के लिए आप यही यूज करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, मतलब कि 8x12। तो ये मैंने बताया कि आपको ये कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो थी दोस्तों, आपको कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, अच्छी लगी तो लाइक करें, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और मुझे अगर आप लाइक डिसलाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, कुछ पूछते हैं तो मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा, और चाहे तो दोस्तों हमें इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक वहां पे फॉलो कर सकते हैं, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों नए हैं तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये मेरे लिए जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, कमेंट करके जरूर बताएं। चलो दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं, जल्दी मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।